मैं संदीप शर्मा किंग केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीमेंट। सीमेंट जो रीट में भी आता है, जो सेकेंड ग्रेड में भी आता है, जो लैब में भी आता है, जो नीट में भी आता है और जेई में भी आता है और इसके अलावा जीके में भी आता है। तो सीमेंट काफी सारे पोर्शन को कवर करता है, तो हम इससे टीचर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं और तो और ये जनरल आदमियों के काम का भी है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि घर में सीमेंट कैसे लगाना चाहिए, कौन सा सीमेंट लगाना चाहिए और सीमेंट कैसे काम करता है। तो जो सीमेंट को सबसे पहले जिसने बनाया था उसका नाम था पोर्ट, जिस जगह ये मिलता था उसको हम पोर्टलैंड कहते थे और ये जगह इंग्लैंड में थी। धीमे धीमे वो पूरी पहाड़ी को काट कर खत्म कर दिया गया। अब मकान बनाने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत पड़ी, तो एक जोसेफ एस्पडिन नाम के वैज्ञानिक ने उस पोर्टलैंड पहाड़ी का या पोर्टलैंड जगह से उस पत्थर का सैंपल लिया और उसकी एनालिसिस करी और एनालिसिस करके उसने सीमेंट बनाया, इसलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते। तो जो सीमेंट है, सीमेंट में जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और ये 60 से 65% तक होता है और ये वेरी करता है अलग अलग सीमेंट में, तो हार्ड एंड फास्ट इसके बीच में होता है। दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो SiO2 होता है और ये 18 से 20% के बीच में होता है। तीसरा कंपोनेंट Al2O3 होता है जो 8% के आसपास होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट Fe2O3 होता है जो 2% 3% होता है और SO3 भी 2 से 3% होता है। तो जो व्हाइट सीमेंट होता है, व्हाइट सीमेंट में व्हाइट सीमेंट और एक ग्रे सीमेंट होता है, तो उसका जो ग्रे कलर होता है वो एल्यूमिनियम की वजह से होता है। तो अगर हम सीमेंट में से एल्यूमिनियम को हटा दें तो जो सीमेंट बनेगा वो व्हाइट सीमेंट होगा। तो ये मोटा मोटा सीमेंट का कंपोजिशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड और बाकी ऑक्साइड का रेशियो क्या होगा। ये रेशियो 1.9 से लेकर 2.1 के बीच में होना चाहिए, जबकि SiO2 और Al2O3 का रेशियो Al2O3 का रेशियो 2.5 से लेकर 4 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो सीमेंट अच्छी तरह काम करता है। अब हम देखते हैं कि सीमेंट को बनाते कैसे। सीमेंट को बनाने के लिए दोस्तों हम इन सारे सब्सटेंस को चक्की में पीसते हैं और पीस कर एक घूमने वाली चक्की में 1400 डिग्री पर हीट करते हैं। 1400 डिग्री पर हीट करने पर जो हमें पदार्थ मिलता है उसका नाम क्लिंकर होता है और क्लिंकर पत्थर के टुकड़ों को कहते हैं। तो ये पत्थर के टुकड़े हैं छोटे छोटे जिनको क्लिंकर के नाम से जाना जाता है। अब हम इस क्लिंकर को पीस देते हैं। इसको पीस कर इसमें 2 से 3% जिप्सम मिला देते हैं। जिप्सम का काम है सीमेंट को जमने से रोकना, या अंग्रेजी में ये सीमेंट की सेटिंग को घटा देता है, मतलब सेटिंग को नहीं होने देता। अगर हम ये जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो जिप्सम का पूरा फॉर्मूला 2H2O होता है। अगर हम उसमें जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो जो सीमेंट है वो बोरी में ही जम जाएगा। हमारा सीमेंट तैयार है, हमने इसको बोरी में पैक कर दिया और अपना ब्रांड लगा दिया श्री सीमेंट, ठीक है ना। श्री सीमेंट से मुझे कोई एड नहीं मिला है कि जिससे मुझे धन का लाभ हो, ठीक है ना। सिर्फ मैं पहले एक श्री इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो तभी से ये श्री श्री सीमेंट चला आ रहा है। अब हम इस बोरी को खोलेंगे। तो इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे।
रीट वाले बच्चों के लिए एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीमेंट की सेटिंग है, सीमेंट का जमना या सीमेंट की सेटिंग, वो एक तो एक्सोथर्मिक है, मींस इसमें ऊष्मा निकलेगी, और प्लस जल अपघटन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जल अपघटन होता है। इसलिए हमने नोटिस किया होगा कि जब हम एक नया मकान बनाते हैं तो बनाने के बाद में हम उसको पानी से तराई करते हैं जिससे उस सीमेंट की गर्मी निकल जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सीमेंट में क्रैक्स पड़ जाएंगे। इसलिए आप खुद ही सोच सकते हो, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे यहाँ पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए भारत में पहले अमूमन मकान बरसात से पहले बनाए जाते थे, क्योंकि बरसात होगी तो वो सीमेंट पे गिरेगी और अपना मकान एकदम मजबूत बन जाएगा। अब सीमेंट काम कैसे करता है, तो जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो इसके जो कंपोनेंट है उनका जल अपघटन हो जाता है, अर्थात जल से वो टूट जाते हैं, और कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा पदार्थ SiO2 अलग हो जाता है। अब सीमेंट के जमने की प्रोसेस बिल्कुल ब्लड के क्लॉटिंग के जैसी होती है। ये सिलिका के पार्टिकल है या ये कैल्शियम ऑक्साइड के पार्टिकल है जो सिलिका को पकड़ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन रीट और सेकंड ग्रेड के लाइक नहीं है, ये नीट के लाइक या जेई के लाइक है कि सिलिका के पार्टिकल्स को कौन पकड़ता है। तो सिलिका के पार्टिकल्स को जो पकड़ता है वो चूना होता है, जिसको हम स्लैग्ड लाइम या भुजा हुआ चूना कहते हैं। अब भैया सीमेंट में तो छेद है, तो अगर हम मकान बना भी लेंगे तो पानी इसमें से घर में आ जाएगा, तो इस छेद को बंद करता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड RBC की तरह जाता है और फाइब्रोनोजन के बने हुए नेटवर्क में फंस जाता है। जैसे RBC फाइब्रोनोजन के नेटवर्क में फंसती है, ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सिलिका और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए जाल में जाकर फंसकर सीमेंट के छेदों को बंद कर देता है। तो रीट और सेकेंड ग्रेड के लायक एक ही क्वेश्चन है, इससे आगे अगर आप नहीं जाओगे तो आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अच्छा जीवन चलेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अपना काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन करने के लिए, इस सीमेंट में के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सीमेंट का कोई बेसिक फॉर्मूला तो होता नहीं है, फिर भी इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये सारे पदार्थ होते हैं। वो हमसे पूछेगा इनमें से कौन सा सब्सटेंस सीमेंट में सबसे ज्यादा, तो कोई बच्चा है जो बता सके? तो डाई कैल्शियम 26% होता है, ये 51% होता है और ये करीब 11% के बराबर होता है। तो नीट और जेई देने वालों के लिए क्वेश्चन है, सीमेंट में कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है, तो ये कंपोनेंट है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अब हम आगे चलते हैं और अब फिर से कुछ जनरल बातें करेंगे जिससे हम बेलदार भी बन सकते हैं, हम ठेकेदार भी बन सकते हैं, कि गारा कैसे बनता है। गारा बनाने के लिए हम सीमेंट में बालू मिला देते हैं, राजस्थान में इसको बजरी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में इसको बालू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो बालू होती है वो यमुना से आती है, जबकि राजस्थान में ब्राउन कलर की बजरी होती है जो पहाड़ों के विघटन से आती है। ये फर्क है दोनों की बालू में, बालू और बजरी में। इससे हम दीवार की चिनाई भी कर सकते हैं और दीवार में प्लास्टर भी किया जा सकता है। अब आया हमारा कॉन्क्रीट।
कंक्रीट बनाने के लिए हम सीमेंट बालू बजरी के साथ में पत्थर के टुकड़ों को भी पत्थर के टुकड़ों को डाल देते हैं छोटी, जिसे हम गिट्टी कहते हैं, जिसे हम या रोड़ा या गिट्टी के नाम से कहते हैं। तो कंक्रीट तैयार है और इससे हम पिलर वगैरह बनाते हैं। अब एक और आया आरसीसी। आरसीसी को हिंदी में कहते हैं प्रबलित प्रबलित कंक्रीट सीमेंट। इसे प्रबलित कंक्रीट सीमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे कंक्रीट में दम आ जाती है। और दम कैसे आती है? हम सीमेंट के साथ साथ, सीमेंट बालू पत्थर के साथ साथ स्टील की रॉडों का, स्टील की रॉडों का ठीक है ना, जाल बनाकर, स्टील की रॉडों का जाल बनाकर उसमें गिट्टियां या कंक्रीट भर देते हैं और आरसीसी की छत डाली जाती। आरसीसी की छत इस तरह डाली जाती है कि जो स्टील के रॉड है वो बिल्कुल अंदर से अंदर दब जाए, क्योंकि अगर वो रॉड है, अगर वो रॉड है बाहर रह गई तो एयर से रिएक्शन होगी आयरन की, और आयरन से रिएक्शन होकर उसकी रस्टिंग हो जाएगी और कुछ दिनों बाद ये जंग का फॉर्मूला है। तो भैया ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लायक है, जीके के लायक क्वेश्चन है ये कि जंग का सूत्र क्या होता है। तो भैया घर में अगर कहीं पर कंक्रीट में या आरसीसी में आपको लोहे की रॉड दिख रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आयरन का क्षरण हो रहा है और छत कमजोर हो रही है, तो फौरन ही उसका प्लास्टर करा दो, नहीं तो एयर से रिएक्ट करके आयरन की रॉड गल जाएगी और एक बार अगर रस्टिंग शुरू हो गई तो फिर वो प्लास्टर कराने से भी नहीं जाती है, फिर उसके लिए आपको ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में हमने अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग क्वेश्चन पढ़े, रीट सेकेंड ग्रेड और सारी ग्रेडों के लिए, सारे एग्जामों के लिए क्वेश्चन है कि सीमेंट का जमना, सीमेंट का जमना एक्सोथर्मिक तथा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, अर्थात उष्मा क्षेपी और जल अपघटन प्रक्रिया है। दूसरा जनरल क्वेश्चन कि सीमेंट में जिप्सम का कार्य क्या है? सीमेंट में जिप्सम का कार्य है सीमेंट को जमने से रोकना, अदरवाइज सीमेंट बोरी में ही जम जाएगा, बैग में ही जम जाएगा और वो बैग एयर टाइट लिया जाता है जिससे मॉइस्चर नहीं जाए, क्योंकि पानी के संपर्क में आने से सीमेंट जम जाता है। बड़ी क्लासों के लिए नीट और जेई जैसे पेपरों के लिए क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और बाकी ऑक्साइड का रेशियो कितना होना चाहिए, तो बाकी का रेशियो 1.9 से 2.1 तक होना चाहिए। एल्यूमिनियम और नहीं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रेशियो 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए। व्हाइट सीमेंट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना नहीं मिलाया, बॉक्साइट नहीं मिलाया जाता है जिससे सीमेंट व्हाइट नजर आता है। तीसरा क्वेश्चन, सीमेंट में कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो सीमेंट में जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो होता है कैल्शियम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये नीट और जेई के पेपर के लिए ही आ सकता है, ये रीट और सेकंड वालों के लिए नहीं है। तो जनरल क्वेश्चन जो जीके टाइप के हैं वो दो ही हैं कि सीमेंट का जमना जल अपघटन और उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है और जिप्सम का कार्य है सीमेंट को जमने से रोकना। तो ये हमारा सीमेंट खत्म हो गया है जिससे आप सारी क्लासों के क्वेश्चन कवर कर सकते। आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले। धन्यवाद। शुभ रात्रि।